24 मार्च को इंटर और मैट्रिक दोनों की परीक्षाएं होंगी और दोनों बोर्ड की परीक्षाएं हैं। हद तो तब हो गई जब मैट्रिक की परीक्षा के गणित विषय को इन्होंने सरहुल के दिन रखा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने 24 मार्च को निर्धारित मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार एक तरफ आदिवासी मूलवासियों को हक दिलाने की बात करती है, दूसरी तरफ यही सरकार इंटर और मैट्रिक की परीक्षाओं को आदिवासी मूलवासियों के सबसे बड़े त्योहार सरहुल के दिन 24 मार्च को रखती है। हाँ तो यह है, दसवीं की कठिन सब्जेक्ट गणित की परीक्षा ही सरहुल के दिन रखा गया है। उन्होंने कहा कि ये साफ दिखाता है कि ये सरकार कहती कुछ है और करती कुछ और है। इस फैसले से आदिवासी मूलवासी समुदाय में उबाल है। सरकार अविलंब इस तुगलकी फरमान को वापस ले, वरना बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हर बात पर यहाँ के स्थानीय आदिवासी मूलवासियों को उनका हक दिलाने की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं की सरकार में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं को आदिवासी मूलवासियों के इस क्षेत्र के सबसे बड़े पर्व सरहुल के दिन रखा गया। 24 मार्च को इंटर और मैट्रिक दोनों की परीक्षाएं होंगी और दोनों बोर्ड की परीक्षाएं हैं। हद तो तब हो गई जब मैट्रिक की परीक्षा के गणित विषय को इन्होंने सरहुल के दिन रखा। तो ये साफ दिखाता है कि ये सरकार कहती कुछ और करती कुछ और है। इस निर्णय से आदिवासी मूलवासी समुदाय में बहुत उबाल है और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि अविलंब अपने सरकार के इस तुगलकी फरमान को वापस ले, ताकि यहाँ के आदिवासी मूलवासी बच्चे भी अच्छे से सरहुल मना सके और इस कार्य के लिए जो भी दोषी अधिकारी हैं जिन्होंने सरहुल के दिन मैट्रिक और इंटर की परीक्षा रखी है, उन पर कड़ी कार्रवाई हो। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।